कर लेंगे सारे सहयोग के लिए कुंडली दो ठीक है और मोबाइल हो गया ये पूरा ये कंस्ट्रक्शन बीच कोविड का ना तो कुछ कंट्रोल है ऊपर करो थोड़ा सर साहब चलो कट चलो क्या बात मेरी अपने चीफ सेक्रेटरी साहब ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब एके अरुण कुमार मेहता जी से जो हमारी मीटिंग हुई उसमें हमारे जो मेन मुद्दे थे वो जो मैंने वहाँ रखे हैं, एक तो हमारी जो रणवीर कनाल है इसका बहुत बुरा हाल है, टेल एंड तक पानी नहीं पहुँचता है। तो हमने वहाँ ये मुद्दा रखा कि जितने सीवरेज वगैरह वो बंद किए जाएँ और इसका बढ़िया से इसका जो साइड से जो इसकी जो जो बैल जो वाल बनाई जाए ताकि जो पानी है वो लास्ट टेल एंड तक पहुँचे। इसके साथ साथ जो दूसरा मुद्दा हमने रखा वो हमने देखा रखा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे हमारे ब्लॉक में लगभग 90 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनकी बुरी हालत है और काफ़ी हद तक वो बंद हो चुके हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑनरेबल अपने चीफ सेक्रेटरी साहब का जिन्होंने आश्वासन दिया कि विद इन महीने दो महीने में आप चेंजेस देखोगे। इसके साथ साथ एक जो बड़ा मुद्दा हमारा वो जो किसान निधि का जो आता था 2,000 रुपया हमारे लोगों को, वो अभी पिछले दिनों एक ड्राइव चली थी जिसके तहत बड़े लोगों का पैसा बंद हो गया। तो हमने वहाँ उनको आश्वासन दिया ये पैसा जो है ये मिलता था खड़ी फसल के लिए, चाहे वो मालकी ज़मीन है चाहे वो लाट में ज़मीन है, उन लोगों को पैसा मिलना चाहिए। तो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने उसी पर DC साहब को इंस्ट्रक्शन दी है कि इस पर पूरा जो डिटेल रिपोर्ट उनको दें ताकि जो हमारे जो लोकल अलाटी लोग हैं उनको भी ये पैसा मिल सके, क्योंकि बहुत लोगों के नाम कट रहे थे। तो ये हमारे मेन मुद्दे थे जो हमने वहाँ इस बार रखे हैं। तो सर काम पूरा होने से कितना फायदा लोगों को मिलेगा? ये जो आप देख रहे हो आज हमारा खोड़ चौक से लेके जो अपना बैनागढ़ तक जो 10 लाख का एक पैचवर्क का काम है यह शुरू हुआ है, जिसके लिए कि इस रोड के जो काफ़ी खड्डे पड़ चुके थे अभी ये पैचवर्क होने से ये रोड पूरा रिपेयर हो जाएगा। और हमारे जो खोर के लोग हैं जहाँ जितने भी यहाँ आने वाले जो शॉर्टकट लोग जाते हैं सिटी उनके लिए बहुत ये राहत का काम है। मैं इसके लिए PDW डिपार्टमेंट अपने JE साहब का AWE भूपिंदर साहब का और जितने भी डिपार्टमेंट के बाकी लोग उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ मेरे यहाँ पे आए हुए जितने हमारे सरपंच साहब हमारे जो परमानेंट सिटीजन जितने भी हैं DDC मैडम हैं हम सब जो मिलके काम कर रहे हैं और आगे भी आने वाले समय में हम इसी तरह मिलके काम करते रहेंगे ताकि जो लोगों के हमारे प्रति जो उनको आश्वासन है हम कोशिश करेंगे हम उनके आश्वासन पे पूरा उतरें। जय हिंद। ये बहुत बड़ी समस्या सी, इतने रोड के उत्ते बड़े 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 खड्डे पै गए सी जेडे कि मतलब आन जाने वाले नूं बहुत दिक्कत होंदी सी। मैं थैंक्स करदा DDC मैडम जी का BDC चेयरमैन साहब का जिन्होंने ये एफर्ट करके सारे ने एप्लीकेशन साढ़े वीर जी खड़े ने सारे ने एप्लीकेशन एक फॉरवर्ड करवा के मैडम होरों के कोलों चेयरमैन साहब कोलों ये भेजी सी, ये पैचवर्क आया। चलो ये सानू बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी क्योंकि ये बॉर्डर बेल्ट तो ये रोड चलता
बिच दी भौआं दे हुंदा होया ये सिटी नूं जांदा जीवन नगर नूं। इस रोड की बड़ी ज़्यादा समस्या सी, असी बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां PWU डिपार्टमेंट का, तो खास करके DDC मैडम जी का, BDC जी का, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये जो काम शुरू हुआ है जहाँ पे हम लोग ने आज शुरुआत करवाई है, और मेरे साथ BDC हैं, सरपंच हैं, और जहाँ के मौजूदा सारे जो जितने भी जहाँ के रहने वाले और लोग हैं सभी खुश हैं, क्योंकि जहाँ पे बहुत मुश्किल थी, जहाँ पे गाड़ियाँ जो आना जाना वो टूटा हुआ रास्ता था, तो मुझे लगता है कि अभी इन लोगों को अच्छी मतलब सुविधा मिलेगी, और जहाँ से जितना भी एक शॉर्टकट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, और आगे भी हमने काम करवाए हैं, अभी भी करवा रहे हैं, इससे आगे भी करवाएंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है वो हम लोग ही पूरा करेंगे, और जो हमारे जो जितने भी रुके हुए काम हैं, जितने भी रोड खराब हैं, वो सारे जो हैं वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनता को किसी चीज़ की परेशानी ना आए, और उसके लिए हम जो है जी जान से ये काम जो है वो करवाएंगे।